بسم الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. थोक और परचून का फ़र्क, कमाल के दो निकाह। कहते हैं कि एक बेवा ने शादी की, उम्र को पहुंची हुई अपनी हसीन और जमील बेटी के लिए हक महर का मुतालबा मुबलिक 5 लाख रियाल कर रखा था। कई ख्वाहिशमंद इतना हक महर सुनकर वैसे ही दस्तबरदार हो चुके थे। अपनी ज़िद का पक्का एक लड़का बमुश्किल 3 लाख रियाल इकट्ठे कर पाया। पैसे लेकर मज़ीद की मदद मांगने के लिए सीधा अपने बाप के पास पहुंचा और कहा, अब्बा जी मेरा कुछ कर लो, मैं इस काकी पर फिदा हो गया हूँ, मगर इसकी माँ है कि 5 लाख रियाल हक महर से एक फिल्स कम पर भी बात करने को तैयार नहीं, अब आप ही कुछ कीजिए। बाप ने बेटे की संजीदगी को देखा और कहा, ठीक है पुत्र, चल ला पैसे, कुछ करते हैं तेरा भी। दोनों बाप बेटा पैसे लेकर बेवा के घर पहुँचे। सलामो दुआ के बाद बाप ने हतून से कहा, मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैं जब तक अपनी बात मुकम्मल ना कर लूँ आप मेरी बात ना काटें। हतून ने कहा, जी बिस्मिल्लाह कहिए। लड़के के बाप ने कहा, मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और ये 1 लाख रियाल नकद हक में हर साथ लाया है। हाथों ने गड़बड़ाते हुए कहा, मगर मुझे अपनी बेटी के हक में हर में 5 लाख रियाल से एक फिल्स कम भी कबूल नहीं है। लड़के के बाप ने कहा, मुहतरमा आपसे गुजारिश की थी कि आप मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। हाथों ने माजर करते हुए कहा, जी पूरी कीजिए अपनी बात। लड़के के बाप ने कहा, आप बजाते खुद एक इंतहाई खूबसूरत और जवान जहान औरत हैं, मैं आपको भी 1 लाख रियाल हक महर अदा करना चाहता हूँ, आप मेरे हक के शराइ में आ जाइए। हतून की खुशी से बाछें खिलकर कानों को जा लगें। बामुश्किल अपने जज्बात को दबाते हुए कहा, अल्लाह आपका आना कबूल करे, मुझे आपकी दोनों शर्तें कबूल हैं। बाप बेटा खुशी खुशी बाहर निकले तो हमसायों ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन नज़र आता था। लड़के के बाप ने कहा, माल थोक में खरीदते हुए और परचून में खरीदते हुए आखिर रेट में कुछ तो फ़र्क पड़ता है ना। लड़के ने हल्का सा गला साफ करते हुए बाप से कहा, अब्बा जी वो 1 लाख रियाल जो बच गए हैं फिर वो तो मुझे वापस दे दीजिए। बाप ने कहा, ना ना पुत्र ओए, अभी एक बड़ा और अहम मरहला तो बाकी पड़ा हुआ है, ये 1 लाख रियाल जाकर तेरी माँ को देना पड़ेगा ताकि वो भी तो राज़ी हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।